हेलो गाइस, मैं भाविस गछपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भाविस गछपाल में। तो गाइस, जैसे कि मैंने पुराने पेपर पे पूरे बाकी पोर्शन के जो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पूरे पोर्शन के मैंने मॉडल आंसर दे चुके हैं, है ना। तो अब मैं जो है इंग्लिश का मॉडल आंसर दे रहा हूँ। इसमें एकाध क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर एकदम एक्सेक्ट और सही हैं, ठीक है। तो देखिए, पार्ट नंबर 3 जो है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है, इस पोर्शन में एक पैराग्राफ दिया गया, प्रोज दिया गया है ना। तो इसमें सबसे पहला क्या दिया गया है, इन द फ्रेज विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश लुक्स, द वर्ड लुक्स इज अ, तो लुक्स जो वर्ड है वो किस लिए खड़ा हुआ है। तो जब ये पैराग्राफ का पहला लाइन आप पढ़ेंगे, आई वॉज वन ऑफ द मैनी चिल्ड्रेन, मतलब मैं अपने माँ बाप के बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा हूँ। अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश लुक्स, तो ये लुक्स जो है लास्ट में लगा है, सेंटेंस के लास्ट में लगा है, तो ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। लुक्स इज नॉट अ वर्ब, इट इज़ अ एडजेक्टिव, तो ये एक विशेषण है। तो यहाँ पर आएगा इसका 56 का आंसर आएगा सी, एडजेक्टिव। इन दिस चाइल्डहुड द नरेटर वॉज गिवन, तो उसके चाइल्डहुड में नरेटर ने उसको क्या दिया, तो क्या दिया, बेसिक रिक्वायर्ड थिंग्स दिया, इसका आंसर आएगा 57 का बी। यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन और क्लॉथ, इसको बोलते हैं बेसिक, ज़रूरत ज़रूरत की चीज़ें, तो बेसिक रिक्वायर्ड थिंग्स 57 का आएगा बी। अगला, द सिनोनिम्स ऑफ, ठीक है, ऑस्टेयर, ठीक है, ऑस्टेयर इज़ स्ट्रिक्ट एंड सीरियस, तो इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट एंड सीरियस, 58 का आएगा ए, ठीक है। अगला, द नरेटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ टू बी ऑर्डनरी लुकिंग, तो नरेटर ने अपने आप को क्या डिस्क्राइब किया कि वो एक ऑर्डनरी लुकिंग बंदा है, ऑर्डनरी लुकिंग, इसका आंसर आएगा 59 का सी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ही पैराग्राफ में आपको इसको इसमें मिल जाएगा, पहला ही पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आई वॉज, पहला ही लाइन, आई वॉज वन ऑफ द चिल्ड्रेन अ शॉर्ट बॉय विथ रदर अनडिस्टिंग्विश लुक्स बॉर्न टू अ टॉल एंड हैंडसम पेरेंट, मतलब अपने लंबे और अच्छे खासे हैंडसम पेरेंट्स के अंतर्गत मैं पैदा हुआ, ठीक है, नॉर्मल सा छोटा सा बच्चा हूँ, ऐसा बोला, मतलब अपने आप को ऑर्डनरी लुक में दिखाया है, तो ये 59 का आएगा सी। अगला, 60, वी लिव्ड इन आवर, ठीक है, एस्ट्रल्स हाउस, एस्ट्रल मतलब होता है पूर्वज, एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th century, द अंडरलाइन क्लाउज, जो क्लाउज है, जो ठीक है, जो उपवाक्य है वो क्या दिखाता है, कौन सा क्लाउज दिखाता है, तो यहाँ पर 19th century की बात की गई है, टाइम का बात किया गया है, ठीक है, तो ये होना चाहिए एडवर्बियल क्लाउज ऑफ टाइम, 60 का सी आंसर होना चाहिए, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम होना चाहिए, ठीक है, 60 का सी। 61, द नरेटर हैड ओनली वन ब्रदर, ओनली वन सिस्टर, मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो 61 का आएगा डी, मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, ठीक है, मैं अपने माता पिता के बहुत सारे बच्चों में से एक था, है ना, तो इसका मतलब है बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे उसके भाई बहन थे, मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर। अगला दे रहा है एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सिक्योर, तो सिक्योर का अपोजिट होगा, एंटोनिम्स होगा इनसिक्योर, ठीक है, इसका आंसर आएगा बी, INSECURE, इनसिक्योर। अगला है द हाउस वर द नरेटर लिव्ड वॉज, ठीक है, जहाँ वैसा घर जहाँ पर नरेटर रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, बिल्ड बाय हीज फॉर फादर, फॉर फादर का मतलब भी होता है क्या बोलते हैं, पूर्वज, और एंसेस्टर्स का मतलब भी होता है पूर्वज, तो इसका आंसर आएगा सी, 63 का आएगा सी, फॉर फादर्स, पूर्वजों के द्वारा बनाए गए घर में रहते थे, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। अगला पैराग्राफ बोल रहा है 64 से 70 तक का क्वेश्चन है, स्वामीनाथन से रिलेटेड, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, ओमनियस इज, ओमनियस मतलब होता है रफ़ी या क्या बोलना चाहिए, डल, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ब्राइट, चमकदार, शाइनिंग, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 64 का बी, ब्राइट आएगा, है ना। अगला, इन द सेंस, इन द सेंटेंस, जस्ट अ स्पेशल ऑनर टू देम ही रीड आउट द नेम ऑफ डजन स्टूडेंट्स और सो दैट हैड अटेंडेंट द क्लास, द अंडरलाइन वर्ड इज इन, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो किस काल को शो कर रहा है, तो ही रीड दिया है, ठीक है, देखो रीड 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 का तीनों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तीनों फॉर्म सेम होता है, अगर ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर इसको माने, है ना, तो ये पास्ट
टेंस होना चाहिए था, लेकिन पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये समझ आता है कि वो तुरंत उस घटना को बोल रहा है मतलब कह रहा है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा, इसका आंसर आएगा प्रेजेंट टेंस, 65 का ए प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर रीड जो है वो प्रेजेंट टेंस में बोला गया है, ठीक है। 66 स्वामीनाथन वॉज एमंग द स्टूडेंट हु हैड, स्वामीनाथन ऐसा बच्चा था जिसके पास क्या था, हु हैड नॉट अटेंड अ क्लास द प्रीवियस डे, वो पिछले दिनों क्या क्लास को अटेंड नहीं किया था जिसके लिए उसके हेडमास्टर ने उसको चमकाया था, है ना। तो इसका आंसर आएगा 66 का बी, ये पैराग्राफ को पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा। अगला 67 व्हेन द हेडमास्टर इंटर द क्लास ही वॉज एंग्री, वह बहुत गुस्से में था, उसका फेस पूरा लाल था, आंखें भी लाल थी, तो 67 का आएगा सी एंग्री, ठीक है। अगला इन द फ्रेज, ठीक है, विथ अ स्लाइटली फ्लस्ड फेस द अंडरलाइन वर्ड मीन, अंडरलाइन वर्ड का मतलब है कि रेड इन फेस, मतलब वो लाल गुस्से से लाल था, 68 का आएगा सी गुस्से से वह लाल था। 69 द हेडमास्टर सर्वेड क्लास फॉर अ फ्यू मिनट्स, द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी, ठीक है। तो सबसे पहले एस यू आर वी ई वाई डी सर्वेड, ठीक है, तो इसमें ये है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में है मतलब वॉज लगेगा, तो या तो ए आएगा या तो डी आएगा। अब देखिए क्रिया क्या आई एन जी लगा है, नहीं लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है, तो आई एन जी बिंग वाला नहीं आएगा, बिंग कब लगता है जब आई एन जी हो, ठीक है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आई एन जी वाला फॉर्म, तो ये आएगा इसका आंसर ए, 69 का आएगा ए, क्लास वॉज सर्वेड बाय द हेडमास्टर फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। इसके बाद अगला है 70 स्वामीनाथन वॉन्टेड टू बी, स्वामीनाथन कहाँ रहना चाहता था, ठीक है, तो वह क्लास में ही रहना चाहता था, देयर इन द क्लासरूम, इसका आंसर ए हो सकता है या तो डी हो सकता है, समवेयर अदर देन द क्लासरूम, ए और डी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, शायद डी हो और या शायद ए भी हो, ठीक है, तो 70 का ए या डी में से एक हो सकता है ना। 71 लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, ग्रामर सीखना क्या है ना, क्या होना चाहिए, लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, तो इसका आंसर प्रिसीडिंग बाय लर्निंग वोकेबुलरी या बी, ठीक है, इंटीग्रेटेड विथ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, तो अगर कोई चीज़ हम लर्न करते हैं, ठीक है, तो वो किसे संबंधित होता है, तो इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा होता है, विथ लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग बोलना, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, इसे संबंधित होता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी आना चाहिए, लर्निंग ऑफ ग्रामर, लेकिन सी भी हो सकता है वोकैब सीखना, ठीक है, लेकिन इसका आंसर ज़्यादा उचित बी लग रहा है, इंटीग्रेटेड विथ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग, 71 का बी हो सकता है। 72 में आ जाइए, मल्टीमीडिया मटेरियल आर यूज्ड, तो टू ऐड टीचिंग एंड लर्निंग, इसका आंसर आएगा बी, ऐड मतलब होता है सहायता, तो 72 का आएगा बी। द सीक्वेंस फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल शुड बी, सबसे सरल क्वेश्चन जो हिंदी में भी आया और इंग्लिश में भी आया, इसका आंसर आएगा सी, लिसनिंग पहले सुनते हैं फिर स्पीकिंग, ठीक है, फिर रीडिंग फिर राइटिंग, मतलब LSRW, ये आप याद कर लो LSRW, पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं फिर रीड करते हैं फिर लिखते हैं, तो यही मटेरियल कोई भी सीखने के लिए, लैंग्वेज स्किल को सीखने के लिए यही रास्ता अपनाया जाता है। 73 का सी, वी ब्लैंक अवर मदर टंग, ओ माय गॉड कहाँ गया, हाँ क्या लिखा है, वी ब्लैंक अवर मदर टंग, तो हम अपने मातृभाषा को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, एक्वायर, ठीक है, इसका आंसर आएगा एक्वायर डी, वी एक्वायर अवर मदर टंग। अगला 75 इवेल्युएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंक्लूड्स इवेल्युएटिंग, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंक्लूड्स करता है और किसको इवेल्युएट करने के लिए, तो यह आएगा स्पीकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग क्षेत्रों में कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग तथ्यों के साथ मतलब है ना बोलने पर, तो 75 का आंसर आएगा बी, स्पीकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगला है 76 लैंग्वेज इज अ हैबिट, दिस मीन्स लैंग्वेज एक आदत है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि क्या क्या दिया है ऑप्शन, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू रूल्स, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर यूज, लैंग्वेज लर्न हैपन थ्रू मेमोराइज, नहीं बिल्कुल नहीं ये इसका आंसर आएगा बी, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर यूज, तो जब आप रेगुलर यूज करोगे तभी आप लैंग्वेज को क्रिया में ला पाओगे, तो रेगुलर यूज़ मतलब हैबिट में ला पाओगे, हैबिचुअल नेचर में ला पाओगे, तो 76 का आंसर आएगा बी, ठीक है। 77 लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न बाय, किसके द्वारा बेस्ट सीखा जाता है बोल रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा बी, यूजिंग देम फॉर कम्युनिकेशन, जब आप किसी लैंग्वेज को कम्युनिकेट करोगे तभी आप इसको सीख पाओगे, ठीक है, नहीं ग्रामर वगैरह नहीं आता है ना, तो पॉजिटिव थिंग लेना है इसमें। 77 का आएगा बी।
78. A language teacher should blank the learner communicate in the target language. ठीक है, तो tolerate error while, ठीक है, जब वह उसको क्या करते हैं, tolerate कर रहे हैं errors को. The language teacher should, ठीक है, language teacher को क्या करना चाहिए, a language teacher should blank the learner. तो tolerate errors well while the learners communicate in the target language. जब वो अपने target language को सीख रहा होता है तो उसको अपने जो भी error है उसको tolerate करना चाहिए, मतलब अनदेखा करना चाहिए ताकि वो उसको सही तरीके से सीख पाए. अगर हम हर बात पे उसको टोकते रहेंगे तो उसके मन में गलत भावना पैदा होगा तो वो सीख नहीं पाएगा. तो 78 का आएगा बी. अगला, इन अ डाइवर्स क्लासरूम इट इज़ बेस्ट, मतलब विविधता, डाइवर्स मतलब होता है विविधता, विविधता वाले क्लासरूम के लिए क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए. तो टू यूज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यही इसका आंसर होगा. मतलब ज़्यादा मात्रा में टीचिंग स्ट्रेटेजीज हमको यूज़ करना चाहिए. नोट्स तो नहीं देगा टीचर, अलाउ स्टूडेंट टू लर्न ऑन देयर ओन, स्वयं से सीखने नहीं देगा. ठीक है, टीच एवरी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज एंड हर लर्निंग स्ट्रेटेजी, नहीं, बिल्कुल नहीं, यही आएगा इसका आंसर ए. 79 का ए, टू यूज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज. अगला है 80, रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण इज मेंट टू, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सी, एड्रेस गैप्स इन लर्निंग. जब आप उसको जो सीख रहा है उसमें जो कमियां हैं एड्रेस, उसको एड्रेस करोगे. एड्रेस करोगे मतलब इंडिकेट करोगे कि भाई यहाँ पर आपको हो रहा है, तो उसको एड्रेसिंग करोगे, है ना, मतलब बताओगे, सूचित करोगे. तो रेमेडियल टीचिंग में क्या करते हैं, एड्रेस गैप्स इन लर्निंग करते हैं. तो 80 का आएगा सी. इस प्रकार ये इंग्लिश के पूरे मॉडल आंसर हो गए, कंप्लीट, है ना. तो मेरे बाकी वीडियो को भी देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. अगर कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन पर डाउट है. हाँ, जिस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है तो वो मैं 50-50 हूँ, इसलिए मैंने बताया, हो सकता है उसमें से कोई भी एक सही हो. ठीक है, तो थैंक यू. बाकी के जो आंसर है मैंने बाकी दूसरे वीडियो में डाल रखे हैं. थैंक यू.